हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार। गाइस, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको डेफिनेटली अपने ब्लॉग के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट की रिक्वायरमेंट तो होती ही होगी। एंड अगर आप अपने ब्लॉग के लिए हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, वो भी गेस्ट पोस्टिंग की मदद से, तब भी आपको हाई क्वालिटी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी। एंड आप में से ज्यादातर लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, प्लस एक बहुत ही मेहनत वाला काम है। इसीलिए गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आपको किसी भी टॉपिक पर हाई क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है, वो भी आपके बिना लिखे। अब गाइस, वो 6 तरीके कौन से हैं जिनकी मदद से आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा? तो गाइस, वो तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर ही बता पाऊंगा, मगर गाइस, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। तो गाइस, सबसे पहला तरीका है एक फुल टाइम कंटेंट राइटर को हायर करना। गाइस, अगर आप $500 या फिर उससे ऊपर की इनकम कर रहे हैं तो गाइस, आप एक फुल टाइम कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं। एंड अगर आप बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हैं तो आप एक इंटर्न को एज अ कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। एंड अगर आप एक फुल टाइम कंटेंट राइटर को हायर करते हैं तो वो आपसे करीब 6,000 से लेकर के 7,000 रुपए महीना चार्ज करेगा। एंड इतने पैसे में ये आपको 30,000 से लेकर के 35,000 वर्ड्स का कंटेंट लिख के दे देगा। एंड अगर आप एक इंटर्न को एज अ कंटेंट राइटर हायर कर रहे हैं तो आपको उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एंड आप किस तरीके का कंटेंट लिखवाना चाहते हैं वो आपको उसको बताना पड़ेगा। अब गाइस, मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको अच्छे अच्छे अफोर्डेबल कंटेंट राइटर्स मिल जाएंगे, लाइक इंडीड, वर्क इंडिया, नौकरी.com, लिंक्डइन और भी गाइस कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। दूसरा तरीका है गेस्ट पोस्ट। गाइस, ये भी एक बहुत ही सही तरीका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस मेथड को यूज नहीं करते। एंड इसके पीछे उनका डर होता है कि अगर कोई हमारी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करेगा तो उस गेस्ट पोस्ट में वो अपनी साइट का लिंक देगा एंड उस लिंक की वजह से गूगल हमारी साइट को पेनलाइज ना कर दे। तो गाइस, ये डर लोगों के माइंड में रहता है। एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गूगल ऐसे ही किसी की भी साइट को पेनलाइज नहीं करता है। आप अगर किसी की गेस्ट पोस्ट अपने ब्लॉग पर डाल रहे हैं तो उसमें दिए हुए एक्सटर्नल लिंक्स के स्पैम स्कोर DA और PA को जरूर चेक करें। अगर स्पैम स्कोर ज्यादा है तो उस गेस्ट पोस्ट को रिजेक्ट कर दें, वरना आप उस गेस्ट पोस्ट को अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं। अब गाइस, आपके पास गेस्ट पोस्ट आनी चालू हो जाए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो गाइस, उसके लिए आपके ब्लॉग का DA 20 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको अच्छी हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट के ऑफर्स आएंगे। एंड आपके ब्लॉग पर एक पेज क्रिएट होना चाहिए जिसके अंदर लिखा हो कि आप गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। एंड वो पेज किस तरीके का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गाइस, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है startup.info, एंड ये साइट भी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। एंड जो भी इस साइट पर गेस्ट पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं उनको गाइड करने के लिए इन्होंने ये पेज क्रिएट कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने हेडिंग में डाल रखा है राइट फॉर अस, एंड पहली लाइन में ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ पेड गेस्ट पोस्ट ही एक्सेप्ट करते हैं। एंड अगर हम इस पेज का URL चेक करें तो इन्होंने अपने URL में भी राइट फॉर अस लिख रखा है। एंड जरूरी नहीं है कि आपको राइट फॉर अस ही लिखना है, आप चाहें तो राइट फॉर अस की जगह गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, सबमिट गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हैं, बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि ये किस तरीके की गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके का कंटेंट ये लोग अपने ब्लॉग पे डालते हैं। एंड उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो गाइस, इन्होंने ये भी बता रखा है कि ये किस तरीके का कंटेंट अपने ब्लॉग पर पब्लिश नहीं करते हैं। एंड उसके बाद हम और नीचे चलते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप जो गेस्ट पोस्ट सबमिट कर रहे हैं उस गेस्ट पोस्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें कितने इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, कितने एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए, एंड वो आर्टिकल, वो गेस्ट पोस्ट बिल्कुल 100% प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, यानी बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको अपने बारे में एक शॉर्ट बायो भी सबमिट करनी है। तो गाइस, इस तरीके से इनको कैसा कंटेंट चाहिए उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। अब गाइस, इन्होंने कीवर्ड्स मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन आप अपने ब्लॉग पे जब भी गेस्ट पोस्टिंग वाला पेज बना रहे हो तो आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर गेस्ट पोस्ट चाहिए। तो गाइस, आपको इस तरीके का एक पेज बनाना है अपने ब्लॉग पे। अगर आप
चाहते हैं कि लोग आपके ब्लॉग पे आकर के गेस्ट पोस्ट सबमिट करें। गाइस तीसरा तरीका है एक्सपायर्ड डोमेन वेबसाइट से। गाइस ज्यादातर बिगनर ब्लॉगर्स जब ब्लॉगिंग चालू करते हैं तो वो एक साल के लिए ही डोमेन को परचेस करते हैं एंड उसके बाद वो उस डोमेन पर काम करते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती, इसीलिए वो उस ब्लॉग को छोड़ देते हैं एंड कुछ समय के बाद जब उन ब्लॉग्स की रिन्यूअल डेट आती है तो उनके रिन्यू ना होने की वजह से गूगल उनके सारे कंटेंट को वे बैक मशीन में डाल देता है एंड उसके बाद वो कंटेंट बिल्कुल यूनिक बन जाता है एंड उसके बाद आप उस कंटेंट को बेझिझक होकर अपने ब्लॉग पर यूज कर सकते हैं। आपका ये साथ एक्सपायर्ड डोमेन साइट्स को यूज करके इस यूनिक कंटेंट को फाइंड कैसे करेंगे, तो गाइस इसके ऊपर मैंने अलग से एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। गाइस ये वो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। गाइस चौथा तरीका है YouTube। गाइस YouTube वीडियोस में जो कंटेंट बोला जाता है आप उस कंटेंट को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं एंड जनरली जब आप इस टेक्स्ट कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल 0% मिलेगा, यानी बिल्कुल यूनिक कंटेंट। आप उस कंटेंट में थोड़ी सी एडिटिंग करके उसे अपने ब्लॉग पे बेझिझक होकर के यूज कर सकते हैं एंड ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आप कैसे करेंगे, तो गाइस इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, ये वो वाली वीडियो है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। पांचवा तरीका है फ्रीलांस राइटर। गाइस अगर आप फुल टाइम कंटेंट राइटर को हायर नहीं कर सकते तो आप फ्रीलांस राइटर को हायर कर सकते हैं, मतलब आप उस फ्रीलांस कंटेंट राइटर से जितना लिखवाएंगे आपको उसको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जितना काम उतना पैसा। एंड मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको अफोर्डेबल रेट में फ्रीलांस कंटेंट राइटर मिल जाएंगे, लाइक क्विकर, अपवर्क, freelancer.com, इंडीड, naukri.com और भी गाइस कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। गाइस छठा तरीका है आर्टिकल स्पिनिंग। गाइस इस मेथड को मैं वैसे तो रिकमेंड नहीं करता हूं, फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। गाइस आर्टिकल स्पिनिंग में बेसिकली ये होता है कि हम ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स को स्पिन कर देते हैं, मतलब हम ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर देते हैं एंड उसके बाद वो आर्टिकल बिल्कुल यूनिक बन जाता है। एंड गाइस ये आप मैनुअली खुद भी कर सकते हो एंड चाहो तो मार्केट में काफी सारे आर्टिकल स्पिनर्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो आर्टिकल को स्पिन करने के लिए। गाइस आर्टिकल स्पिनिंग मैं रिकमेंड इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि आर्टिकल स्पिनिंग के बाद आर्टिकल की रीडेबिलिटी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है एंड इसी वजह से आर्टिकल की क्वालिटी भी बहुत बिगड़ जाती है। एंड काफी सारे आर्टिकल स्पिनर अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल स्पिनर, आर्टिकल रीराइटर और भी गाइस कई सारे टूल्स हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहे।